अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। ये मोहब्बत भी खुद खुशी करने का धंधा है, अपनी ही लाश है और अपना ही कंधा है। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। पहले शक्ल, फिर जेब, फिर दिल का नंबर आता है। 21वीं सदी की मोहब्बत के अपने अलग ही मायने हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नज़रों से गिर गए हैं। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी कर, मरने के बाद तो पराया भी रो लेता है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। बहुत दूर तक जाना है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ के पीछे से मिलता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं है, और समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है कि हार मान, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति आपसे चलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं। बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता था, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर ज़िंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। आप जब किसी को खुद से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हैं तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त में लगने लगते हो। हद हो गई, अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पकड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझना। लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी के सही फैसलों को चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।
कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। अकेले चलना सीख लो, ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। खुल जाएंगे सभी रास्ते, मुश्किल से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। ठीक है कल से करूँगा, बस यही शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है, लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। याद रखना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फ़ायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो सरताज बना देता है, और ज़रा सी नज़रें फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपने ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना, क्या पता आपके जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। ज़िंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाए। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूँगा। अकेला रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। मत किया कर किसी से इतनी उम्मीद, ये दिल यहाँ हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज़ नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते, मैंने कहा कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसलिए उस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती।
कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ़ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसान में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कसमों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा ज़रूर मर जाता है। ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल हुआ उसे पसंद कर लो। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी। किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहे तो नाराज़ हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद कर भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है, हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर देने के लिए जो लोग जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज़्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए तो ज़िंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वो भी अभी खा लेना दवाई समझकर। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं घुटन है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियाँ, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। टूटता है तो छुपता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। चालाकियाँ करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम इतना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज़ के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो, ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, और हम उन्हें
संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे इंसान की यही सज़ा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो कितने पराए हैं। इंसान सबसे ज़्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना भी नहीं चल सकती। अगर कोई आपसे कुछ मांगे, दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा, वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। इस दुनिया में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में होता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देना। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वो आपसे नफ़रत करने लगते हैं। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो। हमारी आँख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल ज़िद्दी होना चाहिए। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपको बदल सकती है। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फ़ायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। इतना अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा ख़त्म, और डॉक्टर कहे तो इंसान ख़त्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं, और सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बहुत मज़ा आता है। ना कोई आगे चलता है और ना कोई पीछे छोड़ता है। भगवान महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उसके साथ कभी मत रहो जिसकी नीयत खराब है। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू हो जाती है। शब्द दो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। आलस से सावधान रहो। तुम इसे आज का दिन देते हो, और ये तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी और जाने वाला भी। जिस इंसान का दिल साफ होता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा रोता है। दुनिया मतलब की है, बुरी है तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका बुरा कभी नहीं करेगा। बुरे वक्त से भी कभी मत घबराना, क्योंकि ज़िंदगी अचानक से कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। चार रिश्तेदार एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी ज़िंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ज़िंदगी में एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है,
और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार ख़त्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई ही ख़त्म कर दें। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसे तो वो चमके, जब आप रोए तो वो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं ज़रूरत की होती है, ज़रूरत ख़त्म इज्जत ख़त्म। सच भी कभी कभी बेबस नज़र आता है, जहाँ चार झूठे इकट्ठे हो जाए वहाँ सच्चा भी हार जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं लेकिन बातों के घाव हमेशा रहते हैं। अनुभव कहता है कि खामोशियाँ ही बेहतर है, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था। वह कुछ भी मेहनत नहीं करता था लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह उसे भिक्षा के रूप में दूध से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ और दूध का घड़ा लेकर घर चला गया। उसने दूध को उबाला, उसमें से कुछ दूध पिया और बचा हुआ दूध एक बर्तन में डाल दिया। दूध को दही में बदलने के लिए उसने बर्तन में थोड़ा सा दही डाला। उसके बाद वह सोने के लिए लेट गया। वह सोते समय दही के बर्तन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा सुबह तक दूध दही बन जाएगा, मैं दही को मत कर उससे मक्खन बना लूँगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूँगा, फिर घी को बाज़ार में जाकर उसे बेच दूँगा और कुछ पैसे कमा लूँगा। उस पैसों से मैं एक मुर्गी खरीदूँगा, मुर्गी अंडे देगी, उन अंडों से बहुत सारे मुर्गी पैदा होंगे, फिर ये मुर्गियाँ सैकड़ों अंडे देगी और मेरे पास जल्दी ही एक फार्म होगा। वह कल्पना में डूबा रहता। फिर उसने सोचा मैं सारी मुर्गियाँ बेच दूँगा और फिर कुछ गाय भैंस खरीद लूँगा और दूध की डेयरी खोल दूँगा। शहर में सभी लोग मुझसे दूध खरीदेंगे और मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊँगा। फिर मैं अमीर परिवार की खूबसूरत लड़की से शादी कर लूँगा और मेरा एक सुंदर सा बेटा होगा। अगर वह कोई शरारत करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से मारूँगा। ये सोचने के दौरान उसने बिस्तर के बगल में पड़ा डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा। यही डंडा उसके दूध के बर्तन में लग गया और दूध का बर्तन टूट गया। इससे सारा दूध ज़मीन पर फैल गया। बर्तन की आवाज़ सुनकर उस आदमी की नींद उड़ गई। फैला हुआ दूध देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सपने देखो लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी ज़िंदगी आसानी से नहीं मिलता। हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं, उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद का 100% दीजिए, फिर सफलता खुद आपके कदम चूमेगी।